हरे कृष्णा। आज बहुत से लोगों ने आज जन्माष्टमी मनाई होगी, मना रहे होंगे, और बहुत से लोग हैं जो कल मनाएंगे। तो अपने अपने समय और सुविधा के अनुसार लोग जन्माष्टमी करने लगे हैं। और जन्माष्टमी तो प्रतिदिन का त्यौहार है, कोई साल में एक दिन का त्यौहार नहीं है। भागवत कथा जब हम सुनने जाते हैं तो वहाँ पर भी कितना अच्छा जन्म महोत्सव मनाया जाता है और कितनी वहाँ पर रौनक होती है, और ऐसा लगता है कि सच में कृष्ण का जन्म अभी तो हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ये उत्सव मन के होते हैं, मन से आप कभी भी मना सकते हैं, जब भी मनाएं अच्छे से मनाएं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि कुछ लोग प्रसाद जब तैयार करते हैं तो वो एक प्रसाद तैयार करते हैं, आम तौर पर मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह, कि वो पंचामृत का प्रसाद तैयार करते हैं और उसमें देखने में आता है कि तुलसी दल डला हुआ होता है। कैसे तैयार होता है पंचामृत? पंचामृत के लिए आपको क्या चाहिए? गाय का कच्चा दूध, हालांकि आजकल मुश्किल है, नहीं मिलता, मिक्स मिलता है, या फिर भैंस का मिलता है। कोशिश करें कि गौ का मिल जाए, नहीं तो अब जैसा है वैसा सही। उसमें गाय का कच्चा दूध, गाय का दूध का दही, गाय का घी, और थोड़ा उसमें शहद मिलाया जाता है और थोड़ा शक्कर मिलाया जाता है। तुलसी दल और गंगा जल कुछ लोग डालते हैं, और देखिए उसमें तुलसी दल नहीं डलता, सिर्फ उसमें आप चाहें तो गंगा जल मिला सकते हैं, नहीं तो पंचामृत, यानी ये पांच चीजें। और ये पंचामृत तैयार होकर क्या बनता है? ये ठाकुर जी का एक तरह से साबुन है नहाने का, इससे उनको स्नान कराया जाता है और उसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराया जाता है। तो वो पहले पंचामृत होता है। और चरणामृत क्या होता है, क्या फर्क है पंचामृत में और चरणामृत में? कि वही पंचामृत जब ठाकुर जी के सिर से आता है और बहता हुआ उनके चरणों से निकल जाता है तो वह हो गया आपका चरणामृत। अब भक्त उसको बहुत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं जिनको पंचामृत और चरणामृत में फर्क मालूम है, तो उसको श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। उसका क्या फायदा है? आपका इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक होते हैं कि शारीरिक विकार, एक होते हैं मानसिक विकार, मानसिक विकार अंदरूनी होते हैं। तो जब हम उस प्रसादम को ग्रहण करते हैं तो हमारा इंटरनल प्योरिफिकेशन होता है, और जैसे जैसे हमारा इंटरनल प्योरिफिकेशन होता है तो हमारी एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन भी साथ ही होने लगता है और हम एक्सट्रीम में ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। ठाकुर जी की छवि प्रतिबिंबित होती है भक्तों में, वो दूर से पहचाने जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठाकुर जी का रूप लगते हैं। तो आप किसी भी देवी देवता की आराधना करें, उपासना करें, आप पहले पंचामृत और चरणामृत में फर्क मालूम कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो चरणामृत बनता है उसको ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग तो इसको हाइजीनिक ना होने की वजह से छोड़ देते हैं और पेड़ पौधों में डाल देते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, अगर आप इसके गुणों को जानेंगे आप हैरान रह जाएंगे। इसको आप घर में जरूर छिड़काव कीजिए, आपके घर में जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे घर से दूर होंगी। नियमित रूप से छिड़केंगे तो ठाकुर जी की प्रसन्नता और सौंदर्य को बढ़ाने वाला है, तो जैसे जैसे आप उनकी प्रसन्नता, उनके सौंदर्य को बढ़ाएंगे तो आपका अपना जीवन जो है खुशहाल होगा, प्रसन्नता से भरपूर होगा और सौंदर्य से भरपूर जीवन होगा। तो आप किसी भी देवी देव की आराधना करें तो आप इस पंचामृत का अवश्य प्रयोग करें। लेकिन मैंने देखा है कि जब सत्यनारायण की कथा होती है, मैं भी लोगों के घरों में कथा सुनने के लिए जाती हूँ, आपको पता ही है कि भगवान सत्यनारायण की जब कथा की जाती है तो आसपास में बुलावा दिया जाता है, मैं भी बुलाने पर जाती हूँ, और मैं वहाँ क्या देखती हूँ कि पंचामृत तैयार करके उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। ध्यान रखिए कि ये भगवान जी का साबुन है और यह कोई नैवेद्य नहीं है। इसका भोग कब से लगने लगा? स्वयं मेरे गुरुजी से मेरी बात हुई इस बारे में, मेरी सिस्टर के यहाँ पर सत्यनारायण जी की कथा थी, तब हम लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जो इसमें फर्क बताया तो सुनकर उसमें कोई शंका नहीं रह जाती कि जो ये कार्य है ये गलत है। तो इसमें तुलसी दल डालकर भोग नहीं लगाया जाता, जाने क्यों लोग
तुलसी के पत्ते डालते हैं, वह तो भगवान के जब शरीर को स्पर्श कर गया तो उससे ऊपर दुनिया में और क्या चीज होगी। अगर आप तुलसी दल डालते हैं तो देखिए, तुलसी का प्रयोग करते हैं हम भोग लगाने में, यानी वही जो नहाया हुआ उनका जल है उसमें आपने तुलसी के पत्ते डाल के भगवान जी को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप इसको ग्रहण कर लीजिए। अपने नहाए हुए जल का क्या आप पान कर सकते हैं? नहीं ना, तो आप ऐसा कार्य क्यों करते हैं? प्लीज इस अंतर को समझिए और इस गलती को करने से बचिए। बहुत से समझदार भक्त हैं जो इस अंतर को जानते हैं और वो ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन जो ऐसी गलती करते हैं ये वीडियो उनके लिए है। आशा करती हूँ कि आप आज इस गलती को सुधारेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।